महाराष्ट्र में मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम आरक्षण की बात को इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने जहां नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों को जल्द 5% आरक्षण देने की बात कही है, इसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस कूद पड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि इस संबंध में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट की माने तो मुस्लिम आरक्षण का विचार कांग्रेस का रहा है। हालांकि कांग्रेस पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान भी मुस्लिम आरक्षण पर जोर देती रही है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के समय मराठा आरक्षण के साथ ही मुस्लिमों को आरक्षण देने का अध्यादेश लाया गया था। अब महाघारी गठबंधन में शामिल 3 में से 2 दलों में मुस्लिमों को आरक्षण देने के मुद्दे पर श्रेय लेने की जंग शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय एनसीपी के पास है, इसलिए नवाब मलिक ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस को इस मामले में पिछड़ता देख बालासाहेब थोराट श्रेय लेने की जंग में कूदते दिखाई दिए। हालांकि शिवसेना अध्यक्ष और सीएम उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव उन्हें नहीं मिला है। शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं कि मुस्लिम आरक्षण के विषय में तीनों दल मिलकर फैसला करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब तीनों दलों में किसी मामले को लेकर असहमति हो, और एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण पर तीनों दल आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने को बेताब है। बीती रात दिल्ली से सटे गुरुग्राम से आधी रात को ऑपरेशन लोटस की तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में सरकार को गिराने और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के मकसद से कुछ विधायकों को गुरुग्राम में रखा गया था। कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें बीजेपी ने जबरन रोक रखा था और इस वजह से उनके नेता उन्हें छुड़ाने पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस वालों से बहस भी हुई, लेकिन कांग्रेस नेता 4 विधायकों को निकाल ले जाने में कामयाब रहे। हालांकि 4 विधायक अब भी उसके पास नहीं लौटे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी ने उन्हें 10 से 15 करोड़ देने का ऑफर दिया है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि सभी विधायक वापस आ गए हैं, अब सिर्फ 3 कांग्रेस विधायक और 1 निर्दलीय ही बीजेपी के पास है। उन्हें भी जल्द बीजेपी के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके साथ संपर्क में हैं। जो निर्दलीय गया है वो भी पुराना कांग्रेसी है, सब वापस आ जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस पूरे खेल में शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम दूसरे नेता शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस के आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा, लेकिन इससे पहले भी कई बार खबरें सामने आई थी कि कांग्रेस विधायक 2 फार हो चुके हैं। यहां तक कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आई थी। तो वहीं पूर्व सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक अपने नेतृत्व से नाराज हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा है तो वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बहरहाल इतना साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सीएम उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ 7 मार्च को भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। उद्धव ठाकरे के इस अयोध्या दौरे को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। उद्धव का कहना है कि तीर्थ यात्रा में किसी तरह की राजनीति लाना उचित नहीं है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि उद्धव का ये दौरा धार्मिक नहीं राजनीतिक है। शिवसेना को हिंदुत्व की अपनी जमीन खोने का डर सता रहा है, तभी तो उद्धव ठाकरे रामलला का दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई है। ऐसे में सरकार बनते ही शिवसेना पर हिंदुत्व की राह छोड़ने का आरोप लगने लगे। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरती रही। बीजेपी ने शिवसेना को सत्ता के लिए लाचार बताते हुए कांग्रेस एनसीपी की कठपुतली सरकार करार दिया। मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूरी बीजेपी शिवसेना की जमकर आलोचना की, और बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने तो विधान भवन में ही शिवसेना पर हिंदुओं को भूलने का आरोप लगाया।
इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने मौके की नजाकत को देखते हुए भगवा राजनीति में एंट्री मारी, जिससे शिवसेना को वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा। राज ठाकरे का उदय होना ये शिवसेना के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने हिंदू नेता की अपनी छवि बरकरार रखने के लिए और राज ठाकरे के खतरे को टालने के लिए अयोध्या जाने का निर्णय लिया। राज ठाकरे की पार्टी के परिवर्तन के बाद उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि मेरा हिंदुत्व दिखाने का नहीं, हिंदुत्व तो हमारे खून में है और उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उसी के बाद संजय राउत ने ट्वीट करके कहा था कि महाघाड़ी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम उद्धव ठाकरे अयोध्या जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी उद्धव के अयोध्या दौरे से ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अयोध्या दौरे से शिवसेना को फायदा होगा या सरकार में दरार आएगा। मुस्लिम आरक्षण का जिन सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में खींचतान तेज हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे के बयान के बाद गठबंधन सरकार में मतभेद सामने आ गए हैं। उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उनके सामने आया ही नहीं है। इसके बाद कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान सामने आए और कहा कि वे मुस्लिमों को आरक्षण देकर रहेंगे। उधर एनसीपी भी मुस्लिम आरक्षण देने के पक्ष में है, जबकि उद्धव ठाकरे धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। पहले शिवसेना का रुख नरम था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मुस्लिम आरक्षण पर जिस तरह से शिवसेना को घेरा, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए कि वे मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को आंख दिखा रही है। एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मल्लिक ताल ठोक चुके हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दिलवाएंगे और अब अशोक चौहान भी ताल ठोक रहे हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनघंटीवार ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर अगर कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना का साथ छोड़ा तो बीजेपी उद्धव ठाकरे का साथ देगी। मुस्लिम आरक्षण को लेकर महाघाड़ी गठबंधन में आर पार की स्थिति बन गई है। अशोक चौहान ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के चुनाव घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण का वादा शामिल है, इसलिए हम अपना यह वादा पूरा करके रहेंगे। चौहान के इस बयान के बाद मुनघंटीवार ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के विपरीत है। सिर्फ मुस्लिमों को ही धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए? सिखों और ईसाइयों ने आखिर क्या अपराध किया है? उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन विचारधारा पर आधारित था। अगर कांग्रेस और एनसीपी उन पर दबाव बनाती है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे सरकार से बाहर हो जाते हैं तब भी हम कुछ निर्धारित मुद्दों पर सरकार को समर्थन देंगे। ऐसे में साफ दिख रहा है कि मुस्लिम आरक्षण का जिन महाअघाड़ी सरकार के सेहत को बिगाड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा में इस बार भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है और अब पार्टी हार की समीक्षा कर रही है। आलाकमान द्वारा नामित किए गए नेता विभिन्न विधानसभाओं में जाकर स्थानीय नेताओं से हार पर मथापच्ची कर रहे हैं। इसके साथ ही बीते दिनों दिल्ली में हार पर मंथन के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसका नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। बता दें कि हार की समीक्षा पर हुए बैठक में पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकटों की बंदर बांट हुई है और तीन नेताओं ने आपसी समझ से टिकटों का बंटवारा कर दिया। बैठक में दो सांसदों ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को टारगेट पर लिया और कहा कि न तो उन्होंने टिकट बंटवारे में दिलचस्पी दिखाई और न ही प्रचार में। हार के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर उंगली उठने लगे तो मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा नहीं है, टिकटों का बंटवारा सबके सहमति से किया गया था और प्रचार कमेटी ने जैसी प्रचार की रणनीति बनाई उन्होंने उसका पूरी तरह से पालन किया। इस बैठक में कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार की फ्री योजनाओं का असर दिल्ली की जनता पर पड़ा, तो वहीं कुछ ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में पूरी तरह सरेंडर कर दिया था, जिसके चलते पार्टी को चुनाव हारना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबकी बात सुनी और कहा जा रहा है कि इस पूरी बहस में जेपी नड्डा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बहरहाल मनोज तिवारी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है
उसी से लग रहा है कि अध्यक्ष पद से उनकी विदाई तय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कमलनाथ सरकार कभी भी गिर सकती है और सत्ता में एक बार फिर बीजेपी की वापसी हो सकती है। बीते दिनों कांग्रेस के 10 विधायक गुरुग्राम के एक होटल में थे। कहा जा रहा है कि वे बीजेपी के संपर्क में थे। ऐसे में कमलनाथ सरकार के साथ साथ दिग्विजय सिंह के राज्यसभा जाने पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद दिग्विजय सिंह हरकत में आए और बीजेपी पर निशाना साधने लगे। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि 6 विधायक वापस कांग्रेस खेमे में लौट आए हैं। डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि कांग्रेस के 15 से 20 विधायक उनके संपर्क में है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधायक काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए उनमें कमलनाथ सरकार के खिलाफ असंतोष है। इसी बीच कमलनाथ सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने पर वे उसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसे में कमलनाथ सरकार में भगदड़ तेज हो गई है। बता दें कि खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार गिरने की स्थिति में आगे उनके सारे विकल्प खुले रहेंगे। निर्दलीय विधायक जायसवाल का कहना है कि वो सरकार बदलने की स्थिति में क्षेत्र के विकास के लिए उसमें शामिल हो सकते हैं। जायसवाल ने आगे कहा कि जब तक कमलनाथ की सरकार है तब तक ही वे उनके साथ हैं। बता दें कि निर्दलीय विधायक जायसवाल सीएम कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कमलनाथ के करीबी विधायक भी पाला बदलने की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 10 विधायकों को बीजेपी ने बेंगलोर शिफ्ट कर दिया है। आपको बता दें कि जिन 10 विधायकों की चर्चा हो रही है, अगर वे पाला बदल कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो विधानसभा में बीजेपी का आंकड़ा 117 यानी बहुमत से एक सीट अधिक हो जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश की मौजूदा कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नेताओं की बयानबाजी वोट बैंक की राजनीति में फंस कर रह गई है। तमाम विपक्षी नेता इस मुद्दे को भुनाकर वोट बैंक साधने में जुटे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि देश से हर घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि बांग्लादेश से आए वे सभी लोग भारतीय नागरिक हैं जो चुनाव में वोट डाल रहे हैं। इसके पीछे वोट बैंक समीकरण है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए बकायदा भारतीय नागरिक के तौर पर सभी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। राज्य में 1951 के जनगणना के दौरान 19% मुस्लिम थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर करीब 30% तक पहुंच चुकी है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी मुस्लिमों को विशेष संरक्षण देती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर चुके हैं और लगभग 3 लाख हर साल घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं इनमें से करीब 1 करोड़ घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बताए गए थे। यही वजह है कि ममता बनर्जी खुलकर इनके समर्थन में बोल रही हैं। लेकिन बीजेपी भी ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर बंगाल में ममता बनर्जी की पोल खोलने में जुटी है। ऐसे में हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, लिहाजा वोट शेयर के लिहाज से सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। बीजेपी बंगाल में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले करीब 11% वोट शेयर की बढ़ोतरी के साथ बीजेपी ने लगभग 17% वोट हासिल किए थे, तो वही 2019 में बीते साल के मुकाबले 22% वोट शेयर की बढ़ोतरी के साथ 40.25% वोट हासिल किए, जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से मात्र 3% ही कम थे। ऐसे में साफ है कि बीजेपी के लगातार बढ़ते वोट प्रतिशत से ममता बनर्जी मुस्लिमों को पूरी तरह से साधने की कोशिश में लगी हैं। वहीं बीजेपी इस मुस्लिम तुष्टिकरण का जवाब हिंदू वोटर्स को एकजुट करके देना चाहती है। ऐसे में आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत साफ साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।